अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिनीस किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी, चिकन बोनलेस टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके पास। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है चिकन और मेरे पास यहाँ पर है दही जो फेंटा हुआ है पहले से। मसालों में मेरे पास है सुर्ख मिर्च पिसी हुई, नमक है, काली मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा है, अजवाइन है, गरम मसाला पिसा हुआ है और चिली फ्लेक्स है मेरे पास। दो अदद ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट, तकरीबन दो जवे हैं, तकरीबन एक खाने का चम्मच। और यहाँ पे मेरे पास है लेमन दो अदद कटे हुए। तो चलिए अब अपनी जो चिकन है इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसको मैरिनेट करते हैं। जी तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मेरे पास दही है, इसको मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं वन बाय वन लेमन डाल दूँगी। कोशिश करें जब भी मैरिनेट करनी हो चीज़ तो उसमें लेमन ही डालें, आपकी मर्ज़ी है दो डालें, तीन, ये रसदार लेमन है तो इसलिए मैं ज़रा कम ही रखूँगी। वन बाय वन मैंने सारे लेमन इसमें निचोड़ के डाल दिए हैं। और सिरके का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन मुझे सिरके की स्मेल इतनी पसंद नहीं है, तो ये नेचुरल है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने दो लेमन इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। अब ये जो मेरे पास मसाले पड़े हैं ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये डाल दिए इसके अंदर, तो अब इसकी मैं एक अच्छी सी पेस्ट तैयार कर दूँगी। ये पेस्ट इसकी तैयार हो रही है, अच्छे से मैंने इसको बीट कर दिया है। जी ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, अच्छी सी इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। अदरक का इस्तेमाल हमने नहीं किया क्योंकि अदरक हर चीज़ में नहीं जाता। तो अब यहाँ पे मेरे पास है चिकन, ये है चिकन और ये चिकन के अंदर मैं डाल दूँगी सारा ये पेस्ट। हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। बेसिकली हमने इस चिकन को कढ़ाई में तैयार करना है, सलाखों पे तैयार नहीं करना। तो अब ये इसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, तकरीबन एक घंटा ये मैं मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। तो आप चाहें तो ओवन एट भी रख सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं, यानी कि फ़ौरन इंस्टेंट भी बन जाते हैं और ये भी एक किस्म है इंस्टेंट टिक्के की। तो अब ये इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए जी तैयार हो गए हैं, मैरिनेशन इसकी हो गई है। इसको अब मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए। तो इसके बाद इसको मैं पकाऊँगी और फिर मिलते हैं उसके बाद। जी ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हो गया फ्रिज में मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं एक खुले मुंह वाले बर्तन में इसको डाल दूँगी और बगैर किसी ऑयल के इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। ये तो ये जो बचा हुआ मसाला था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दो तकरीबन तीन से चार चम्मच पानी के डाले हैं और ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, हम इसे ढाँप देंगे ताकि ये अपने ही पानी में पक जाए अच्छी तरह, फिर इसको हम तैयार करते हैं। जी 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी इसका अपना मॉइस्चर भी आ गया है चिकन का और ये पकना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे इसको पकने में, तो हम दोबारा इसको कवर कर देंगे। और ये देखें जी हमारा चिकन कितना सॉफ्ट एंड टेंडर है, ये लेमन जूस की वजह से होता है चिकन सॉफ्ट और टेंडर। तो हम इसे दोबारा से कवर कर देते हैं और फिर इसको फिर से हम देखते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखें जी ये मज़ीद पक गया है, इसका मसाला गाढ़ा हो चुका है। अब जो हम इसमें करेंगे इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल, इसको जस्ट शाइन देने के लिए हम तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसमें ऑयल के डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह पका लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है कि ये मसाला जो सारा इसके साथ चिपक जाए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत अच्छे ये मसाले वाले टिक्के बनते हैं कढ़ाई के अंदर। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए जी बिल्कुल मसालेदार से हमारी टिक्के तैयार हो गई है। अब इन टिक्कों को एक साइड पे हम कर देंगे
और यहाँ पे फॉल पेपर से मैंने कप बनाया है। आप चाहे तो रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो एक छोटी सी प्याली भी रख सकते हैं। इसको मैं ऐसे रखूँगी, उसके ऊपर मैं एक बहकता हुआ कोयला रख दूँगी। उस कोयले के ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसका अच्छा सा हम स्मोक दे देंगे। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कितना अच्छा ये तैयार हुआ, ये देखिए। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये है फाइनल लुक हमारी रेसिपी की और देखें, आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। आपने भी ट्राई करनी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नई रेसिपी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।